करनी है हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री एवं मंच पर बैठे हुए अधिकारीगण एवं दूर दराज से आए हुए भाइयों एवं बहनों सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है, हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम वैजयंती देवी है। मैं बोधगया ब्लॉक के रहने वाली हूँ और छोटा सा भूसिया गांव के रहने वाली हूँ। हम शुरुआत में भाई दीदी हम कुछ भी नहीं करते थे। हम एक छोटा छोटा ग्रुप 10-12 महिला के बना करके कुछ हम लोग 5-10 रुपया बचत करके हम लोग अपना कुछ काम करते थे। हम लोग इतना गरीब आदमी थे हम बता नहीं सकते। हम सारा कफियत हम मंत्री जी के डेरा में जाके बताए थे, उतना बताए उतना से आप सब समझ सकते हैं। फिर वैसा ही हम लोग अपना जो साहूकार के चंगुल में फंसे रहते थे तो चेरकी एक गांव है। जब शुरू में डिजिटल इंडिया वाला काम निकला था तो चेरकी गांव से नियाजी सर आते थे हम लोग के बताने के लिए कि दीदी आप लोग थोड़ा सा हमारा बात सुनिए समझिए और कुछ कंप्यूटर ये सब सीखिए। तो हम लोग सोचे कि कंप्यूटर हम कैसे सीखेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पढ़ ले हैं और वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो उतना थोड़ी ना पढ़ाई होता था। तो हम लोग सुनो ना तैयार नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन आए, दो दिन आए, तीन दिन आए, लगातार आते रहते गए। हम गांव के दीदी लोग के भैया लोग के बताए कि चेरकी के भैया हाँ आते हम लोग के कुछ सिखाने के लिए, हम लोग सीखेंगे समझेंगे। तो सब लोग बोला कि हाँ आओ ना तक कंप्यूटर सीखे जाइए कुछ हो जीता तो आओ तू दोगना। हमने ये तो अपने गाड़ी में और दोगना डन दिया है। फिर हम लोग लगा कि आप क्या करें, मन में डर भी तो लगे उतने। फिर हम हिम्मत करके हम बोले सर हम लोग कल से 2-3 आदमी आएंगे देखेंगे आपका कैसा सेंटर है, कौ है नहीं है, तब हम लोग नाम लिखवाएंगे। फिर गए तो वहाँ गए कि देख रहे हैं लड़की लोग लड़का लोग सब अपना सीख रहा है। शुरुआत में जो माउस होता हम तो कंप्यूटर के कुछ पार्ट के बारे में भी नहीं जानते थे कि क्या है। हम लोग सोचते थे कि बड़े बड़े आदमी लोग ही सब काम करता है, चलाता है, रखता है। तो देखें उसमें बाउल जो काम हो रहा है उसको से भी देख के हमको डर लगता था। फिर नियाजी सर बहुत अच्छा मदद हम लोग के किए हैं, उनका भी स्वागत है कि हमको बोले कि वैजयंती दी कुछ नहीं होगा, मशीन बिगड़ेगा मेरा रहेगा, इसमें आपको कोई डरने का बात नहीं, आप सीधा हम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप काम कीजिए सीख जाइएगा, आप सीखिएगा। बाकी लोग का जो डर है हम आगे आगे थे, बाकी जो दीदी लोग का मन में भय था हमको देख करके, क्योंकि हम बहुत कम पढ़े लिखे थे तो उन लोग मैट्रिक आईए बीए एमए कह लेती तो उन लोग के लगा कि जब इतना कम पढ़ा लिखा लड़की होके कर सकते तो हम कहे नहीं करेंगे। हम शुरुआत किए चलाने लगे तो उसमें शुरू शुरू हमको एगो अथी बनाने के फूल बनाने के लिए सिखाए, अथी किए सब कुछ करने लगे। फिर सारा मशीन में जो पार्ट था से बताया कि इसको यही बोला जाता है, ये बोला सब सीखे। सीख करके बाकी 20-30 महिला लोग सीखी देख करके और अपना सेंटर भी वो लोग हमसे अच्छा से चला रही है और हम तो अपने बेटा के सपोर्ट से चलाते। मेरा बेटा आईए में पढ़ रहा है और शुरुआत में जब 5वीं तक क्लास था गाँव में तो पहले तो हम लोग का माँ बाप कहते बेटी नहीं जाएगी स्कूल में पढ़ने दूसरा जगह, लेकिन हम निर्णय लिए हैं कि मेरी बेटी नहीं बाकी पूरी गांव के बेटी पूरी पंचायत के बेटी जितना इसको इच्छा है उतना पढ़े। फिर हम काम करने लगे तो बिजली बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, ये सब हम बेटा के सपोर्ट से हम कर लेते हैं। अगर एक आध घंटा बैठते हैं सेंटर पे और हमको देख करके हमको ये खुशी मिल रहा है कि आज हमारे घर में 2-2 लैपटॉप है हमारे मंत्री जी के कृपया से, हम अपने से नहीं खरीदे। मेरे पास थोड़ा सा अभी भी व्यवस्था के कमी है, इस कारण से थोड़ा मेरा काम स्लो चल रहा है और इंटरनेट के भी थोड़ा सा कमी है, लेकिन आने वाले 2-4 महीना के अंदर में हमारी व्यवस्था भी हो जाएगी और इससे और अच्छा से हम काम करेंगे। हमारा 20 दीदी जो सेंटर चला रही है तो उनके पास मतलब इंटरनेट आता है क्योंकि बाजार में पड़ता है और हमारा गाँव पूरी एकदम पीओपी गांव में पड़ता है इसलिए वहां पे इंटरनेट कम चलता है तो काम थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन उससे हमको टेंशन नहीं। हम ये टेंशन रख ले हैं कि अभी काम है लेकिन आए वाला समय में हमरो गांव में आ ही जाएगा। फिर जब हम काम करने लगे तो आज हमारा यहाँ पे इतना मैं लोग के देख के हमारे सर के देख के हमारा नाम तो सर के मुँह पर याद रहता है। हमको
हमको इतना खुशी मिलता है कि हम गरीब लोग मतलब मुखिया और सरपंच ही जाने के लिए तो लाइन लगना पड़ता था कि भगा देता था, लेकिन अब सब लोग जानता है कि आईटी मिनिस्टर के साथ में वैजयंती का प्रोग्राम है। इतना खुश है कि हम अपना खुशी को बता नहीं सकते हैं। हमारा यही निवेदन है कि हम लोग का जो गरीब लोग का जो व्यवस्था है, मतलब हमारे सर तो हर समय मदद करते रहे हैं, करते रहेंगे, और हम जो हमारे तरफ से जो गलती हुई होगी वो हम क्षमा चाहते हैं। और हमारा दीदी लोग जो काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, और इससे हम 2-3 हज़ार रुपया भी कमा लेते हैं, प्लस में हम जो जीविका के ग्रुप में काम करते थे उससे भी कमा लेते हैं। और हमको ज़्यादा खुशी हुआ कि हमारा 3 बच्चा है, तीनों बच्चा हमारा कंप्यूटर को एकदम घोट दिया। अब तो हमारा छोटा बच्चा जो है वो कहेगा कि तोरा यहाँ पर ही ना बुझे, मतलब कौन कोची एगो गाना बना लेता है, गाना भी बनाने लगा, छोटा बच्चा 7 साल के है जो। तो हम यही चीज हमको लगता है कि हे भगवान हम लोग कैसे इतना आगे बढ़ते, जो हमारा आज बाल बच्चा और गांव के बाकी बच्चे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा हम काम करने में हमारा खुशी मिलता है कि हम लोगों को मोबिलाइज कर करके जहाँ पे हिम्मत हारती है वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज कर। बताते हैं कि देखिए दीदी हम इतना गरीब आदमी हैं, हम पढ़ल लिखल नहीं हैं, हम जब बोल सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप लोग का तो माँ बाप आइए भी एम ए कराया है, कहे ऐसे घर में बैठ के और दिन गुजारिएगा, घुट घुट के रहिएगा। तो इसलिए वो दीदी लोग भी समझती है। जब दूसरा बार दिल्ली में 1 मिनट और दूसरा बार जब दिल्ली में हम आ रहे थे तो हम राजधानी गाड़ी के बारे में सुनते थे कि राजधानी में बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो हमारे सर राजधानी का टिकट कटवा दिए थे। जैसे हम ट्रेन में क्रॉस किए, मात्र अकेले एक बच्ची के लिए थे, सब लोग बोला कि सबके पति साथे जाते हैं लेकिन हम हिम्मत करते हैं कि हम भुलाएंगे नहीं। हम जब जा रहे थे तो जब जैसी गाड़ी में हम अथी किए तो गार्ड बोले इधर कहाँ इधर, और हम बोले कि देखिए सर कोई के लीला पर लिखा नहीं है कि राजधानी में हुई आदमी बैठे। फिर हम अपने से गए स्टेशन में, कहाँ होटल था सब कुछ अपने से हम खोज लिए। ये भी हमको खुशी मिलता है कि हम दिल्ली में भी स्टेशन पर उतर के होटल खोज लिए, सब कुछ कर लिए। पटना तो अब हम बात हो गया, लेकिन दिल्ली में हम सपना नहीं देखते थे, अब अपने से जाते हैं सब कुछ। अब इसी वाणी को हम अपना विराम देते हैं, हमारे तरफ से जो गलती हुई वो क्षमा।